आपने क्रिकेट के मैदान पर कई प्लेयर्स देखे होंगे, लेकिन किसे पता था कि इस मैदान पर एक ऐसा खिलाड़ी भी खेलेगा जिससे आप चाहकर भी नफरत नहीं कर पाओगे। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं हम सबके चाहते एबी डिविलियर्स की। लेकिन दोस्तों उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि बहुत ज्यादा मेहनत लगती है एक वीडियो को आप तक पहुँचाने में। लोगों ने उसे प्यार से एलियन नाम दिया, और सच में उस जैसी शख्सियत इंसानों में कहाँ, उसमें कुछ न कुछ तो ऐसा था जो इंसानों में कहाँ। बचपन में नेशनल टीम से रग्बी खेलना और फिर क्रिकेट जगत का मिस्टर 360 कहलाना इतना आसान तो नहीं। उसने लोगों को बताया कि क्रिकेट को इस ढंग से भी खेला जा सकता है। वो शायद पहला बल्लेबाज था जिसने जगत को 360 डिग्री का मतलब बताया। वो एकमात्र ऐसा खिलाड़ी रहा जिसे अपने देश से ज्यादा दूसरे देश में ज्यादा प्यार मिला, खास करके भारत में। उसने भी भारत को अपना दूसरा घर बनाया और भारतीय लोगों के लिए वो सब किया शायद कोई और नहीं कर पाता। गरीब बच्चों के लिए एनजीओ चलाना, उनके खर्चे उठाना और उनके चेहरे पर मुस्कान लाना, ये कम है क्या? क्रिकेट जगत ने एक ऐसा दिन भी देखा जिसकी शायद किसने कल्पना भी नहीं की होगी, जब ये खुश मिजाज इंसान खुद को टूटने से नहीं बचा पाया और मैदान पर ही फूट फूट कर रोने लगा। और दोस्तों शायद वही एक दिन था जब मैं किसी क्रिकेटर के लिए पहली बार और आखिरी बार रोया, और शायद मैं ही नहीं, उस दिन सारे क्रिकेट प्रेमियों की आंखें नम थी। जी हाँ दोस्तों, ये वही 2015 का सेमीफाइनल मैच था जिसे साउथ अफ्रीका हार गई थी। दोस्तों क्रिकेट जगत में खिलाड़ी तो बहुत होते हैं, लेकिन एबीडी जैसे महान खिलाड़ी शायद ही कोई बन पाए। वहीं आज का ज्यादातर खिलाड़ी गुस्सा करते हुए नजर आते हैं, वहीं ये वो खिलाड़ी था जिसने पूरा क्रिकेट करियर हंसते हुए निकाल दिया। दोस्तों इस महान बल्लेबाज का करियर शायद उस ढंग से खत्म नहीं हुआ जैसा कि हम चाहते थे। इसे अपने देश में वो इज्जत ना मिल पाई जो वो खिलाड़ी वो डिजर्व करता था। लेकिन इस सब में हमारा बस कहाँ चलता है दोस्तों। ये महान खिलाड़ी भले ही हमें क्रिकेट फील्ड पर ना दिखे, लेकिन इतिहास के पन्नों में ये हमेशा अमर रहेगा। अगर आप भी एबी डिविलियर्स के ट्रू फैन हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।